देश में जहां कोरोना वायरस के महाप्रकोप से देश को बचाने के लिए लॉकडाउन लागू है, वहीं इस लॉकडाउन ने देश की आर्थिक स्थिति तो बिगाड़ी ही, साथ ही देश के किसानों की हालत भी खराब कर दी है। तो वहीं किसानों को लॉकडाउन के साथ ही अब मौसम का दोहरा मार भी झेलना पड़ रहा है। दरअसल पिछले दिन हुए बिहार के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार लहलहाती फसलों को बर्बाद कर दिया है और इन क्षति ने किसानों का कमर तोड़ दिया है। वहीं सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र में भी किसानों ने मौसम का मार झेला है। यहाँ तेज तूफान के कारण किसानों के मक्के की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं यहाँ के किसानों ने बताया कि बारिश और तूफान के कारण लगभग 25 बीघा में लगा मक्का का फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। वहीं मौसम के इस मार से परेशान किसानों से न्यूज़ 11 संवाददाता सुरेश कुमार सिंह ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के खेतों का दौरा कर वहां स्थितियों का हाल जाना। आप देख रहे हैं न्यूज 11, मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार सिंह। अभी हम पहुंच चुके हैं राघोपुर प्रखंड अंतर्गत मोतीपुर पंचायत उधाधारी वार्ड नंबर 1। अब यहां जानेंगे कि हम लोग अभी निकले हैं क्षेत्र में, जो की रात के शुक्रवार की रात लगभग जो है 10:25 में जोरदार आंधी के चलते लगभग 35 से 40 बीघा से करीब ज़्यादा होगा यहाँ के किसानों का, जो कि मकई के खेत आप पीछे देख रहे होंगे कि ये जो है पूरा जो है मकई जो है बर्बाद हो गया लोगों का, किसान और किसान का पूरा रो रो करके बुरा हाल है। काफ़ी मेहनत से काफ़ी ये और मेहनत करने के बाद पानी जो है बोल रहे हैं कि डाले हैं किसान सब, और डालने के बाद लॉकडाउन के चलते भी काफ़ी परेशानी इन लोग के साथ हुआ है। आप देख रहे हैं कि जहां तक आप पीछे देख रहे हैं कुछ जो है किसान हैं, ये सब किसान हैं यहां के, जो कि मतलब से काफ़ी मुसीबत झेल रहे हैं। और इन लोग को अब तक यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी DM से गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हम लोग को मुआवजा अगर नहीं मिला तो फिर हम लोग खाद बीज जो उधार लिए हुए हैं उनका पैसा कहाँ से चुकता कर पाएंगे। मेरा नाम गनिया देवी, यहाँ रात में आंधी आने के चक्कर से इतना एक बीघा की मकई की क्षति हुआ, उधारी खाद लिए हैं सब तो खत्म, कैसे उधार हम चुका सकेंगे आप बताइए। हमारे यहाँ पर 10 बीघा को पलोट का सबको मकई क्षति हो चुका है, सबको खाद बीज उधारी यहाँ पर लगा चुके हैं कोरोना भारत के चक्कर से, यहाँ पे बहुत नुकसानी हो चुके हैं। रात में शुक्रवार को आंधी आए थे। आप बताइए कि क्या आपके अभी नाम सुनीता देवी, मैं 25 बीघा लगाए थे, उसके बाद आंधी के चक्कर में मेरा सब कुछ परेशान हो गया। खाद बीज हम लोग कैसे लगाएंगे कोरोना वायरस के चक्कर में, इतना परेशान हुए फिर भी कुछ भी नहीं है। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।